हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव वेरी गुड टॉपिक और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली लिनक्स लॉग्स के बारे में करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम लॉग्स को चेक कर सकते हैं, कैसे लॉग्स को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि आईटी कंपनी में कौन कौन से मेजर लॉग्स फाइल होती हैं जिनको आइडली ओपन किया जाता है फॉर चेक द इशूज, ठीक है गाइज। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लॉग्स को चेक कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि बेसिकली लॉग होता क्या है। सो गाइज, सपोज दैट कि आपके पास आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। आपके सॉफ्ट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, आप माई कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, या आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हर टास्क के, हर ऑपरेशन के एक लॉग्स जनरेट होते हैं जो कि सिस्टम जनरेटेड होते हैं, ठीक है, या एक टेक्स्ट फाइल कह सकते हैं आप उसको। उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म किया था, ठीक है, लाइक आपने कोई फाइल ऐड की है या कोई फाइल को डिलीट किया है, सिस्टम को रिस्टार्ट किया है, सिस्टम को शटडाउन किया है, या आपने अपने वेब सर्वर भी, वो हो सकता है कि आपने वेब सर्वर को पे क्या टास्क परफॉर्म किया, आपने अपने सिस्टम को कब इंटरनेट से कनेक्ट किया, यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे थे तो क्या आपको कोई एरर आई, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉग फाइल में होती है। इवन क्या एप्लीकेशन आपने कन्फिगर किया, कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कोई आपको इशू आया, ठीक है, एक लॉग फाइल जनरेट होती है जिसमें सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन होती है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो इसको ही लॉग फाइल बोला जाता है। आईटी कंपनी में किसी भी इशू को यदि हम चेक करते हैं, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, क्यों ये इशू आया, तो सबसे पहले रूट कॉज होता है उसके लिए आपको लॉग्स को एनालाइज करना होता है। सपोज दैट आप चेक कर रहे हैं कि आपका कोई सर्वर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लॉग्स को चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इस ड्यूरेशन में जब ये एरर आई तो क्या लॉग जनरेट हुए, क्या रीज़न था, क्यों हमारी सर्विस को जो कनेक्शन थे वो ब्रेक हुए, क्यों टाइम आउट, उसके लिए हम लॉग्स चेक करते हैं। किसी भी इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आपको लॉग्स की नीड होती है। बिना लॉग्स के आप किसी भी इशू को आइडेंटिफाई या चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। ऐसे ही आज हम बेसिकली जान रहे हैं लिनक्स लॉग्स के बारे में कि लिनक्स लॉग्स क्या होते हैं, कैसे लॉग्स को चेक किया जा सकता है, कितने टाइप्स के लॉग्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ टाइप ऑफ लिनक्स लॉग्स हैं जो बेसिकली हम चेक करते हैं। गाइस, यदि हम बात करते हैं लिनक्स में, तो लिनक्स में सबसे पहले हम सिस्टम लॉग्स चेक करते हैं। इसके अंदर सिस्टम कितनी बार शटडाउन हुआ, रिस्टार्ट कब हुआ, कर्नल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, बूटिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपके हार्डवेयर इवेंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है। उसी प्रकार यदि बात करते हैं एप्लीकेशन लॉग्स की, तो एप्लीकेशन लॉग्स में आपके लिनक्स सर्वर पे जितने भी एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, चाहे वो आपका अपाचे सर्वर हो, चाहे वो आपका एसक्यूएल सर्वर हो, जो भी बिहेवियर उसमें ऑब्जर्व हो रहा है या जो भी एरर्स आ रही हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है आपके एप्लीकेशन में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन लॉग्स में होती है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं सर्विस लॉग्स की। सर्विस लॉग इन द सेंस कि आपके लिनक्स सर्वर पे कितनी सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए आपको सर्विस लॉग चेक करने होते हैं, या आपकी सर्विसेज में कोई इश्यूज तो नहीं हो रहा, या आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जो आपके सर्वर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं है, इवन नेटवर्क सर्विसेज भी आप सर्विस लॉग्स के थ्रू ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इवेंट लॉग्स की। सो गाइस, इवेंट इन द सेंस कि आपके सर्वर पे, लिनक्स सर्वर पे सपोज डेट आपके पास चार यूजर हैं, आप उनको लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको ऑथेंटिकेशन की एरर आ रही है, आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो, या आपने लॉगिन सक्सेसफुली किया, ठीक है, या आपने कोई सिक्योरिटी में चेंजेस किए हैं, कुछ ग्रुप्स में चेंजेस किए हैं, या आपने अपने सिस्टम को शटडाउन किया है, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन बनती है वो इवेंट लॉग्स के अंदर बनती है, ठीक है। और इवेंट लॉग्स का यूज़ बेसिकली सिस्टम एक्टिविटी के पर्पज से किया जाता है। जब आईटी कंपनी में ऑडिट एक्टिविटी होती है तो इवेंट लॉग्स को ही आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है गाइज। तो होप ये आपको समझ आया होगा कि ये टाइप्स लिनक्स के जो लॉग्स हैं इनका बेसिकली यूज़ किया है और क्या क्या इनके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो हमारी आईटी कंपनीज होती हैं उनके अंदर लिनक्स में हम किस किस लॉग्स को चेक करते हैं आईटी गाइस। पहले हम बात करते हैं कि आपके लॉग्स किस लोकेशन पर अवेलेबल होते हैं। तो गाइस, यदि आप लिनक्स सर्वर पर हैं तो सबसे पहले आपको रूट पर जाना होगा, ठीक है। रूट पर लॉगिन जाने के बाद में आपको रूट जीरो लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप सीडी करके वेयर डायरेक्टरी में जाओगे, वेयर के अंदर एक डायरेक्टरी होगी लॉग, लॉग डायरेक्टरी में जाओगे। उसके बाद कि जब लॉग डायरेक्टरी में आप जाओगे तो लॉग डायरेक्टरी के अंदर ही सारी की सारी लॉग्स फाइल होती हैं,
आप लॉग्स उसमें क्रॉन के लॉग्स भी चेक कर सकते हो। पूरे सिस्टम्स के लिनक्स पे जो लॉग्स बनते हैं वो लॉग डायरेक्टरी के अंदर ही बनते हैं। तो लोकेशन जो होगी, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लिनक्स पे लॉग्स की लोकेशन क्या होती है। तो वायर करके आप लॉग में जाओगे, वहाँ पे आपको लॉग्स मिलेंगे। अब बात करते हैं क्रॉन लॉग्स की। तो क्रॉन लॉग्स बेसिकली क्या होता है कि क्रॉन की जो जॉब होती है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल को व्यू कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और आप इस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्रॉन का यूज़ बेसिकली टास्क ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। यदि आपके लिनक्स सर्वर पे कोई टास्क ऑटोमेट किया हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके लॉग्स के लिए आपको क्रॉन डॉट लॉग फाइल चेक करनी होगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्रॉन फोल्डर में आप जाओगे, ठीक है, तो आप इसके थ्रू लॉग चेक कर सकते हो। जब आप क्रॉन लॉग फाइल में जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि लास्ट क्रॉन फाइल, क्रॉन जॉब कौन सी चली थी, सक्सेसफुल थी या फेलियर थी विद रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम लॉग की या मैसेज लॉग की। तो गाइस, सिस्टम लॉग से आप समझ गए होंगे या मैसेज लॉग से, दोनों एक ही हैं। दोनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिकली सिस्टम में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है आपके लिनक्स सर्वर पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम लॉग या मैसेज लॉग्स में होती है। इसके लिए आपको लॉग्स एनालाइज करने के लिए, सिस्टम के लिए आपको या तो मैसेज लॉग चेक करने पड़ेंगे या आपको सिस्टम लॉग चेक करने पड़ेंगे, वो भी आपको लॉग डायरेक्टरी के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्योर की। सिक्योर लॉग या ओट डॉट लॉग, ऑथेंटिकेशन का कोई भी इशू आ रहा है, आप कोई एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हो या कोई यूज़र लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, या आपने अपना लिनक्स सर्वर लॉगिन किया, आप यूज़र लॉगिन नहीं कर पाए, कोई भी इशू लॉगिन के रिगार्डिंग आ रहा है, ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग, लॉगिन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो फेलियर रीज़न हो चाहे वो सक्सेसफुल रीज़न हो, उसकी डिटेल्स आपको सिक्योर डॉट लॉग में मिलेगी। आप सिक्योर नाम की एक फाइल होगी, लॉग फाइल, उसमें जाओगे आपको ऑथेंटिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं इवन ऑलरेडी टर्मिनल पे बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेल लॉग की। बेसिकली क्या होता है, मैंने अपने लिनक्स सर्वर पे मेल सर्वर यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसके लॉग नहीं है मेरे पास में, आइडली मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मेल लॉग का बेसिकली क्या होता है, आईटी कंपनी में मेल्स के लिए एसएफटीपी सर्वर का यूज़ होता है, ठीक है, एसएमपीडी सर्वर का यूज़ होता है। तो हम अपने लिनक्स सर्वर पे मल्टीपल ईमेल सर्वर यूज़ करते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन, जिनकी लॉग चेक करने के लिए कि हमारा जो मेल सर्वर है वो रनिंग है या नहीं है, उनको रनिंग करने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है, या रिस्टार्ट करने में कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि आप मेल सर्वर की चेक करना चाह रहे हैं, तो आपको मेल लॉग फाइल चेक करनी होती है। उसकी लोकेशन भी आपको यही लोकेशन होती है, आपको वायर के बाद लॉग में जाना होगा, लॉग डायरेक्टरी में जो फाइल्स होंगी उसमें आपको मेल लॉग फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अपाचे सर्वर की। तो गाइस, अपाचे सर्वर का जो पैकेज होता है वो HTTPD होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप अपाचे सर्वर के लॉग चेक करना चाह रहे हो, तो अपाचे सर्वर के लॉग चेक करने के लिए आपको HTTPD फोल्डर में जाना होगा। फोल्डर के अंदर दो फाइल होंगी, पहली फाइल होगी एरर लॉग। एरर लॉग के अंदर आपके अपाचे सर्वर में कोई भी एरर आ रही है, चाहे वो आपके मेमोरी रिलेटेड एरर हो, चाहे वो कोई भी अदर इश्यूज हो, चाहे वो सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो, वो आपको एरर लॉग फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड फाइल होगी एक्सेस लॉग, ठीक है, फाइल तो मल्टीपल होंगी लेकिन आपको सिर्फ दो ही फाइल चेक करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। एक्सेस लॉग के अंदर बेसिकली ये रिकॉर्ड होगा कि आपकी कितनी रिक्वेस्ट हमारे HTTP सर्वर पे, यानी हमारे अपाचे सर्वर पे आई हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये IT कंपनी में मोस्ट यूज होने वाले टास्क हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपको करने ही होते हैं। यदि आज आप लिनक्स एडमिन पे काम कर रहे हैं तो ये टास्क आपको चेक करने पड़ सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन जो चल रहे हैं उनके लॉग चेक करने पड़ सकते हैं फॉर चेक द एनी इशूज। अब बात करते हैं MySQL की। यदि आपका कोई डाटाबेस चल रहा था, वो ओरेकल हो चाहे आपका MySQL हो, उसके लॉग चेक करने के लिए भी आपको इसी तरह करना होगा। आप सबसे पहले MySQL फोल्डर में जाओगे, लॉग के अंदर ही एक फोल्डर होगा MySQL के नाम से, उसमें जाओगे, उसके अंदर दो फाइल हो सकती हैं, ठीक है, या तो होगी MySQL एल डॉट लॉग, ठीक है, या MySQL डॉट लॉग होगी, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में MySQL एल डी डॉट लॉग अवेलेबल है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यही इन्फॉर्मेशन होगी कि बेसिकली आपने MySQL सर्वर कब लॉगिन किया, कब रिस्टार्ट किया, कोई फेलियर तो नहीं आया, या कब आपने सर्विस को स्टॉप किया, सारी इन्फॉर्मेशन आप MySQL की इस पे ही चेक कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, अब हम टर्मिनल पे चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सर्विसों को चेक कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो एंड तक देखें। अब हम टर्मिनल पे अपने कुछ टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके बारे में आप प्रैक्टिकली जानेंगे कैसे आप प्रैक्टिकली लिनक्स पे सब चीज़ें कर सकते हैं।
सो गाइस हमने अपना लिनक्स टर्मिनल ओपन कर लिया है और चलिए देखते हैं कैसे हम लॉग्स को चेक कर सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं लिनक्स में लॉग्स की लोकेशन की। पहले हम सीडी करके वेयर डायरेक्टरी में जाएंगे, उसके बाद लॉग डायरेक्टरी में जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग डायरेक्टरी में आ चुका हूँ और लॉग डायरेक्टरी यानी लॉग्स फोल्डर के अंदर मेरी सारी लॉग्स फाइल होंगी। ठीक है, तो आपको यदि लिनक्स पे लॉग चेक करना है तो पहले आपको लॉग डायरेक्टरी के अंदर आना होगा। ये लोकेशन है, सीडी करके वेयर में जाएंगे उसके बाद लॉग में जाएंगे। ये लॉग्स की लोकेशन होती है, सारे लॉग्स इसी लोकेशन पे ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमको यदि क्रोन जॉब के लॉग चेक करने हैं तो यहाँ पे मैं टेल यूज़ करूँगा। टेल कमांड के यदि मैं यूज़ करता हूँ तो बेसिकली टेन जो रिसेंट लॉग्स होते हैं टेल मुझको वो शो कर देगा, मुझे इसको सारे लॉग्स चेक करने की जरूरत नहीं होगी। यदि मुझे सिर्फ शुरू के 10 लेटेस्ट लॉग्स को चेक करना है तो यहाँ पे मैं टेल कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपको 10 लॉग्स को शो करता है। जैसे मैंने एंटर किया है तो 10 लॉग्स जो होंगे वो मुझे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने टेल के क्रोन जो मेरी टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन करने का ट्राई किया तो जो लेटेस्ट लॉग्स हैं वो ये लॉग्स आ रहे हैं। मेरी एक क्रोन चल रही है जो एवरी मिनट लिनक्स को के नाम को प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो उसके लॉग ये मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। इस तरह से मैं किसी भी रिसेंट लॉग्स को चेक कर सकता हूँ। यदि मुझे क्रोन के चेक करने तो मैं क्रोन के लॉग्स को चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है गाइस, यदि यहाँ पे कोई एरर आई होती तो एरर मुझको शो हो जाती, तो इस तरह से मैं लॉग्स को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉग्स की, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो गाइस यदि हम बात करते हैं मैसेज की, तो लॉग के अंदर एक डायरेक्ट एक फाइल होती है मैसेज या सिस लॉग के नाम से। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके सिस्टम में अक्रॉस आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसके इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैं पर टेल कमांड का यूज़ करूंगा। ये मेरा बेसिकली मैसेज के नाम से टेक्स्ट फाइल होगी, लॉग फाइल होगी, इसको मैं ओपन करूंगा तो जो लेटेस्ट की 10 फाइल होंगी वो मुझको यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी मैंने अपने सिस्टम को शट डाउन किया था, आपके पास ये आ रहा होगा, मेरा सेशन एग्जिट हुआ। एग्जिट होने के बाद मेरा सिस्टम शट डाउन हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने शटडाउन करने के बाद में अपने सिस्टम को दोबारा ओपन भी किया है। ठीक है, तो उसके लॉग्स भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप लॉग्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी फाइल, फॉर एनी लॉग फाइल। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने सिस्टम्स लॉग यानी मैसेज लॉग्स को चेक कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैंने आपको भी आपको बताया कैसे आपको लॉग्स को चेक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्योर लॉग्स पे। सिक्योर लॉग्स की है कि जो लॉग्स फाइल होती है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सीडी करके लॉग में जाऊंगा, मैं बैक आ चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल होगी सिक्योर नाम से जिसके अंदर मेरी ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यदि आप आपके अब लिनक्स सर्वर पे कोई भी एप्लीकेशन रनिंग है या कोई भी यूज़र आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, आपके सिस्टम के पास 10 यूज़र हैं या 10 लाइक शुभम नाम का यूज़र है या कोई अदर यूज़र है, या आप रूट यूज़र ही लॉगिन करना चाह रहे हैं, उसका पासवर्ड डाल रहे हैं और यदि वो पासवर्ड आपका गलत है तो ऑथेंटिकेशन के यहाँ पर लॉग आ जाएंगे कि आपने गलत पासवर्ड डाला है। फेलियर का रीज़न भी आ जाएगा और यदि आप लॉगिन सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर विजिबल होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने जितनी बार भी यहाँ पर रूट यूज़र लॉगिन किया है तो इसमें लिखा हुआ है ओपन फॉर यूजर रूट बाय UID 0। जितनी बार मैंने अपने रूट यूजर को लॉगिन किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप लॉग्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लॉग्स हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब चेक करते हैं यदि आपके लिनक्स सर्वर पे कोई मेल सर्वर आपने लॉगिन किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है और उसके लॉग्स आपको चेक करने हैं। सिंपली आप ये टाइप करोगे, ये लिखोगे और एंटर मार दोगे तो मेरे लिनक्स सर्वर पे इसमें कोई भी मेल जो एप्लीकेशन है वो कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं कोई भी मेल सर्वर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अपने लिनक्स सर्वर पे, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी लॉग्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन यदि आप IT कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने मेल सर्वर के लॉग्स को चेक करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। लॉग के अंदर लॉग्स फाइल हो सकती है मेल डॉट लॉग या मेल लॉग, उसको आप ओपन करेंगे तो आप इस तरह से लेटेस्ट लॉग को चेक कर सकते हैं। आपको टेल यूज करना होगा, उसके बाद आपको लॉग्स फाइल यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है,
अब यदि आपके सर्वर पे आपने अपने लिनक्स पे अपाचे सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपाचे सर्वर कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अपाचे सर्वर का पैकेज क्या है। जैसे कि अपाचे सर्वर का जो पैकेज है वो होता है HTTPD, ठीक है। बेसिकली HTTPD के जो अपाचे सर्वर के जो लॉग्स होंगे उसके लिए सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी है, ठीक है, इसके अंदर जाना होगा। इसके अंदर दो फाइल होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं लिस्टिंग कर लेता हूँ जिनको हमको चेक करना है। पहली फाइल है एक्सेस लॉग, दूसरी फाइल है एरर लॉग। एक्सेस लॉग के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी कितनी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव हुई ऑन द अपाचे सर्वर, और एरर लॉग के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके अपाचे सर्वर में लॉग इन करते समय या सीपीयू के रिगार्डिंग कोई एरर आ रही है, मेमोरी के रिगार्डिंग कोई भी एरर आ रही है, या आपके वेब सर्वर पर कोई भी एरर आई है, कोई भी एरर आ रही है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन एरर लॉग में मिलेगी। पहले हम ओपन करते हैं एक्सेस लॉग। आप कैट के द्वारा भी लॉग्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन कैट के द्वारा आपको सारे लॉग्स शो होंगे, लेकिन टेल कमांड के द्वारा आपको सिर्फ ओनली लेटेस्ट 10 लाइन ही शो होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस लॉग चेक करता हूँ, ये मेरे एक्सेस लॉग्स आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली अभी कुछ समय पहले पे कुछ दिन पहले अपने अपाचे सर्वर को लॉगिन किया था, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। अभी यदि मैं एरर लॉग चेक करूंगा उसी प्रकार, एरर लॉग के लिए भी मुझे सेम ही करना होगा। मैं यहाँ पे एरर लॉग इस तरह से चेक कर सकता हूँ। तो गाइस आपको ये चीज़ें सब परफॉर्म करनी है यदि आप IT कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अपाचे सर्वर या आपके जो वेब सर्वर आपके लिनक्स पे चल रहे हैं उनमें कोई इश्यूज आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले आपको एरर लॉग चेक करने पड़ेंगे कि एरर लॉग क्या आ रही है। उसके लिए आपको HTTPD फोल्डर में जाना पड़ेगा, लॉग डायरेक्टरी के अंदर। फोल्डर में जाने के बाद दो फाइल होंगी, एक्सेस लॉग और एरर लॉग, आपको एरर लॉग फाइल चेक करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिनक्स पे अपाचे सर्वर के लिए लॉग्स को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं MySQL की, ठीक है। यदि आपके लिनक्स सर्वर पे MySQL एप्लीकेशन इंस्टॉल है, सर्वर इंस्टॉल है, और आपको MySQL के लॉग्स चेक करने हैं, तो उसको लॉग्स आप कैसे चेक कर सकते हैं? सेम है, आपको सबसे पहले MySQL के फोल्डर में जाना है, क्योंकि लॉग जो डायरेक्टरी होगी उसके अंदर MySQL के नाम का एक फोल्डर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर एक फाइल होगी MySQL LD.log के नाम से, आपको वो ओपन करनी है। आपका MySQL रिस्टार्ट कब हुआ, शट डाउन कब हुआ है, लॉगिन करने में कोई भी इन्फॉर्मेशन एरर आ रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आपको MySQL के रिगार्डिंग इस लॉग फाइल में मिलेगी, ठीक है। ओपन कर लेना है आपको। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने अपना MySQL को इंस्टॉल किया था, तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 जुलाई 9 तारीख, आज 9 तारीख है, तो आज की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैंने अपने पैकेज को इंस्टॉल किया था, MySQL को अपग्रेड किया था, तो वो सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हमारे मेजर्स लॉग्स फाइल होती हैं उनके लिए लॉग चेक कर सकते हैं। आइडली IT कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको यही लॉग्स चेक करने होंगे। आपको यही चेक करना होगा कि आपके लिनक्स सर्वर पे कौन कौन से एप्लीकेशन चल रही हैं, उनमें ऑथेंटिकेशन की कोई एरर तो नहीं आ रही है, ठीक है। उसमें कोई लाइक जैसे कि मैंने अभी HTTPD के लिए चेक किया था, मैंने अभी MySQL के लिए चेक किया है, मैंने यदि आप IT कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई क्रोन शेड्यूल है, यदि लिनक्स सर्वर पे क्रोन के लॉग्स आपको चेक करने हैं कि लॉग जो शेड्यूल है वो एग्जीक्यूट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूट यदि नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक है। लास्ट बार हमारी क्रोन कब चली थी, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कब हुआ था, वो भी आप सब लॉग से ही चेक करेंगे। क्योंकि जब भी कोई टास्क परफॉर्म होता है हमारे लिनक्स पे, तो हर टास्क के हर इवेंट का एक लॉग जनरेट होता है जो हमारे var.log डायरेक्टरी में ही होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। सो गाइज, यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट में मेंशन करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइज। यदि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आइडली मैं IT रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ जो IT कंपनियाँ रियल टाइम में यूज़ कर रही हैं, ठीक है। साथ ही कोई डाउट है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।